वर्ल्ड कप विजेता टीम के सदस्य रहे पूर्व भारतीय ओपनर गौतम गंभीर का मानना है कि यदि कोरोना वायरस के कारण आईपीएल 2020 रद्द हो जाता है तो पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की टीम इंडिया में वापसी मुश्किल हो जाएगी। गंभीर ने साथ ही सवाल किया कि धोनी को किस आधार पर टीम में चुना जाना चाहिए। दरअसल आपको बता दें, धोनी आईपीएल से क्रिकेट मैदान पर वापसी करने वाले थे, लेकिन चीन से फैले घातक कोरोना वायरस के चलते इस प्रतिष्ठित टी20 लीग को फिलहाल 15 अप्रैल तक के लिए टाल दिया गया है। अब लॉकडाउन के कारण और देश में बढ़ते संक्रमितों की संख्या को देखते हुए आईपीएल के आयोजन पर भी आशंका जताई जा रही है। दरअसल आपको बता दें, धोनी ने पिछले साल आईसीसी वर्ल्ड कप के बाद से कोई प्रतिस्पर्धी क्रिकेट मैच नहीं खेला है। ऐसे में गंभीर ने पूछा कि इस साल ऑस्ट्रेलिया में होने वाले आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के लिए धोनी के सिलेक्शन के लिए किस प्रदर्शन को आधार बनाया जाएगा। गंभीर ने निजी टीवी चैनल से कहा, धोनी पिछले करीब एक साल से क्रिकेट नहीं खेल रहे तो उनका चयन किस आधार पर किया जाएगा। धोनी का सबसे अच्छा विकल्प इस वक्त लोकेश राहुल है। ईस्ट दिल्ली से मौजूदा लोकसभा सांसद गंभीर ने राहुल की तारीफ करते हुए कहा, वो टीम के लिए एक उपयोगी खिलाड़ी है। मैंने उनका प्रदर्शन देखा है, इसमें कोई शक नहीं कि उनकी विकेट कीपिंग धोनी जितनी अच्छी नहीं, लेकिन यदि आप टी20 क्रिकेट फॉर्मेट को देखें तो बहुत बहुआयामी खिलाड़ी है। वो नंबर 3 या 4 पर भी बल्लेबाजी कर सकते हैं। उन्होंने कहा, टीम इंडिया चाहेगी कि सभी खिलाड़ी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिखाएं। यदि आईपीएल नहीं होता तो धोनी की वापसी काफी मुश्किल हो जाएगी, तो पिछले काफी समय से टीम का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे 39 वर्षीय पूर्व क्रिकेटर ने कहा, जहां तक उनके संन्यास का सवाल है तो ये उनका निजी फैसला है। धोनी के संन्यास को लेकर भी काफी समय से अटकलें लगाई जा रही हैं। इससे पहले पाकिस्तान के पूर्व पेसर शोएब अख्तर ने कहा था कि धोनी को 2019 वर्ल्ड कप के बाद ही संन्यास लेना चाहिए था। एलडी न्यूज रूम की रिपोर्ट।